दोस्तों राम राम, कैसे हैं? स्वागत है फिर से एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों अभी सुबह के 6 बज रहा है और अभी मैं घर से निकल चुका हूँ सरे की तरफ काम के लिए। तो दोस्तों चलते हैं और देख सकते हैं, हसुआ ले लिया हूँ और लगभग 3-4 दिन से जो है ना कटनी में, गेहूँ के कटाई में लगा हूँ। इसके वजह से फेरी पर नहीं जाता हूँ। तो आज जो है ना, आज लास्ट दिन है। आज लास्ट नहीं है, मतलब कि आज कटाई जो है ना थोड़ा सा ही है, तो आज कटाई ख़त्म हो जाएगा गेहूँ का। और दौनी जो है ना, दौनी आज भी होगा और जो रह जाएगा थोड़ा सा दौनी करने का तो वो कल करेंगे। तो अभी दोस्तों चलते हैं धान काटने, आज लास्ट दिन है धान काटने का, तो चलते हैं खेत में। और देख सकते हैं बाउंड्री घिरा रहा था, ये तो घिरा गया हुआ है, सारा कंप्लीट हो गया है। और अभी मैं चलता हूँ दोस्तों खेत में। तो देख सकते हैं दोस्तों, बहुत सारे गेहूँ जो है ना कटा गया हुआ है, दौनी भी हो गया है बहुत सारा, और बहुत सारा लगा भी हुआ है। तो अभी मैं चलता हूँ, ये खेत है ना गेहूँ वाला, इसके बाद वाला हमारा खेत है, तो चलते हैं। पिताजी उधर कटनी कर रहे हैं, देख सकते हैं वहाँ, चलते हैं उसी में काटेंगे। फाइनली दोस्तों अभी खेत में मैं पहुंच गया और पिताजी देख सकते हैं इधर काट रहे हैं, थोड़ा जल्दी ही आ गए हैं। तो चलिए मैं भी यहाँ से लगता हूँ, काटता हूँ, पिताजी इधर काट रहे हैं। तो दोस्तों इतना कटा आ गया, देख सकते हैं अब थोड़ा सा है ये गोपा, तो काटते हैं और अब चलते हैं दोस्तों। ये आधा 1 घंटा और समय लगेगा, तो काट लेते हैं उसके बाद में चलते हैं। चलिए काटते हैं। तो दोस्तों सारा कटा गया, देख सकते हैं हो गया पूरा। और दोस्तों टाइम अभी हो गया कितना, 10 बज चुका है दोस्तों। तो 10 बज रहा है, लगभग 4 घंटा समय लगा है इसको लाओ कटने में। और चलते हैं दोस्तों अभी घर पे, भूख भी लग गया है। और तो दोस्तों आ गया घर अभी, और चलते हैं खाना खाते हैं। दोस्तों देख सकते हैं दाल चावल सब्जी है, कढ़ी चावल सब्जी है। तो दोस्तों खाते हैं खाना, खा के उसके बाद चलेंगे सारे गेहूं को जमा करेंगे, आज दौनी भी करना है। तो चलते हैं दोस्तों, खाना खा लेते हैं उसके बाद में खेत में चल के, अब बोझा भी ढोना है, दो खेत में का जो है ना एक जगह करना है, तो ढो ढो करके लाएंगे। चलिए पहले खाना खाते हैं उसके बाद चलेंगे। तो दोस्तों अभी खाना वाना खा करके अभी चल रहा हूँ दोस्तों खेत में, और बोझा ढोना है। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना धूप है, चलिए खेत में मिलते हैं। अभी आ गया खेत में, और इसी में का जो है ना सबको एक तो जमा करना है, और उसके बाद में वहाँ पे से फिर लाना है। तो पहले इसमें का जमा, तो पहले इसको जो है ना यहाँ पे जमा कर देते हैं और उसके बाद में वहाँ से ढोएंगे। दोस्तों इसमें का जो है ना टोटल जमा कर लिया, देख सकते हैं सारा हो गया। और अब चलते हैं वहाँ से लेकर आते हैं, अभी 1:15 हो रहा है, तो देखते हैं कितना बजे तक सारा ढोता है। यहाँ था ना, इससे थोड़ा ज़्यादा ही है वहाँ पर, तो चलते हैं सारे को ढोते हैं। तो दोस्तों अभी इसमें का ढो रहे हैं, और बोझा बना गया है और बना रहा है दोस्तों। तो चलिए ढोते हैं, सारा ढो लेते हैं इसमें का। दोस्तों चलिए बोझा, आधा बोझा ढो आ गया, और देख सकते हैं दोस्तों यहीं पे रख रहे हैं सामने, और दोस्तों भड़क गया है, देख सकते हैं। गेहूं का बोझा दोस्तों होता है ना, वो 6 लगुआ होता है, वो छलता है, बांधने में भी दिक्कत होता है और ढोने में भी बहुत परेशानी होता है। और दूसरी बात कि हवा भी चल रहा है तो चलने भी नहीं दे रहा है। चलिए इधर से रखते हैं, यहीं पे रखते हैं दोस्तों, यहीं पे रख दिया। और रस्सा से दोस्तों ढो रहे हैं रस्सा से, अब फिर वहाँ पे जो है ना खोल खोल दे रहे हैं। तो चलिए अभी चलते हैं लाते हैं। और दोस्तों आधा जो है ना ढो आ गया है, इसमें तो जमा कर लिए थे और उसमें का आधा ढो लिए हैं। तो देख सकते हैं आरी होकर के चल रहे हैं। और गेहूं के महीना में जो है ना दोस्तों धूप बहुत ज़्यादा रहता है, कराकरी धूप, और गर्मी भी काफ़ी है, हवा चल रहा है फिर भी गर्मी है, और प्यास बहुत ज़्यादा लगता है। चलिए फिलहाल दोस्तों ढो लेते हैं सारे को। और इधर देख सकते हैं ये छोटू लोग, ये सब दौनी करवाने आया हुआ है, तो अभी थ्रेसर नहीं आया है, तो ये लोग जो है ना अभी इधर मोबाइल देख रहा है, देख सकते हैं। केवल कॉलेज है कि ना, चलो चलिए चलते हैं लाते हैं। सारा ढोआ गया, देख सकते हैं लास्ट 2 गो बोझा है, तो वो लेकर चलते हैं।
चलिए फिलहाल चलते हैं ये दो गो बोझा लेकर। दोस्तों अभी बोझा मैं ढा दिया, वहाँ पे रखा हूँ देख सकते हैं, वो सामने बोझा है वहीं पे रखा हूँ और सारा मेरा ढोआ गया बोझा। और दोस्तों दौनी जो है ना अभी इधर हो रहा है, तो इधर दो थ्रेसर चल रहा है, तो मैं अभी चल रहा हूँ तिरपाल लाने। तिरपाल लेके आते हैं तो फिर दौनी होगा, तब तक इधर अभी हो रहा है तब तक। तो दोस्तों अभी दौनी हो रहा है देख सकते हैं, और दौनी करवा लेते हैं। फाइनली दोस्तों सारा हमारा गेहूं का कटाई ख़त्म हो गया, और कल जो है ना शाम को सारा गेहूं ढोते ढोते रात हो गया, इसकी वजह से वीडियो नहीं बना पाया, लाइट भी कटा हुआ था इसकी वजह से। गेहूं के कटाई का वीडियो ब्लॉग जो है ना यहीं पे ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं। मिलते हैं दोस्तों एक और न्यू वीडियो में। हमारा गेहूँ की कटाई सारा ख़त्म हो गया और साल भर का खेती था हम लोगों का, तो चलिए अभी ख़त्म हो गया है गेहूँ की कटाई। अब कल से फिर ये स्टार्ट होगा। आज जो है ना दोस्तों गेहूं का कटाई ख़त्म हो गया, तो आज बहुत ही देह हाथ दर्द कर रहा है, आलस जैसा हो रहा है मन, कहीं घूमने फिरने का भी मन नहीं कर रहा है, इतना देह हाथ पैर सब दर्द कर रहा है। तो चलिए आज का इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग्स में। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।